शहादत पर सियासत का सिलसिला पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। हर साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। जब वो कांग्रेस में थी उस दौरान राइटर्स बिल्डिंग घेराव के दौरान हुई फायरिंग में 13 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और इसी को लेकर के ममता बनर्जी ने भले ही कांग्रेस छोड़ दी हो लेकिन आज भी शहीद दिवस मनाती हैं। हर साल ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है लेकिन इस बार ममता वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगी। इस बार खास ये है कि चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद है और यही कारण है कि शहीद दिवस के जरिए देश भर में टीएमसी दस्तक देने की कोशिश कर रही है। इस बार इस कार्यक्रम को यूपी, गुजरात और दूसरे राज्यों में भी दिखाया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने इसके जवाब में अपने कार्यकर्ता जो उनके मारे गए हैं उनको लेकर के शहीद श्रद्धांजलि दिवस की घोषणा की है। ममता बनर्जी तैयार हैं 21 जुलाई 1999 की उस घटना को याद करने के लिए जब लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। कोलकाता के रॉयटर्स बिल्डिंग यानी मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। इसी आंदोलन के बाद ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा चेहरा बन गई थी। तब से ममता हर साल उन कार्यकर्ताओं को याद करते हुए 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है लेकिन ममता ने इस बार शहीदी दिवस वाले कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी ममता शहीदी दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम करेंगी, बंगाल में मारे गए 13 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देंगी। 21 जुलाई को पूरे बंगाल में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में भी बड़ी स्क्रीन पर शहीदी दिवस का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। पहली बार ममता बनर्जी 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर मनाए जाने वाले शहीदी दिवस को बंगाल के बाहर प्रदर्शित करेंगी। 21 जुलाई के ऊपर भर करके हम लोग का जो शहीद हुए थे उसके रक्त में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ था, तो ये 21 जुलाई पूरे भारत में अभी ममता बनर्जी का सब कोई चाहता है कि ममता बनर्जी ये ऑल इंडिया से जो बीजेपी विरुद्ध शक्ति है वो एकजुट हो उसका और उसका लीडरशिप ममता बनर्जी दे। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम में मारे गए कार्यकर्ताओं की याद में शहीदी दिवस को बंगाल के बाहर मनाने और दिखाने के पीछे की सियासत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये तो ड्रामाबाजी है। दिल्ली या गुजरात या हरियाणा या पश्चिम बंगाल छोड़कर और कहीं भी अगर किसी सामान्य आदमी को पूछा जाए कि तृणमूल क्या होता है, ममता बनर्जी कौन होता है, तो वो लोग एकदम चुपचाप रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तृणमूल के नाम भी कभी नहीं सुना, ममता बनर्जी का नाम भी कभी नहीं सुना। टीएमसी के 21 जुलाई के कार्यक्रम का दायरा बंगाल से बाहर बढ़ाने के पीछे सियासत दिलचस्प है। टीएमसी को लगता है कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सीधा बीजेपी को टक्कर दे सकती है और ममता बनर्जी की सरपरस्ती में जो विरोधी दल है वो एक होकर बीजेपी को दिल्ली में टक्कर देंगे। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एक मुखर चेहरा बनकर भी सामने आई हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के ये सपने सपने ही रह जाएंगे। टीएमसी को शहीदी दिवस वाली सियासत पर जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी तय किया है कि 21 जुलाई को वो भी राज्य में हुई हिंसा के खिलाफ शहीद श्रद्धांजलि दिवस मनाएगी। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद शहीदी दिवस कार्यक्रम को उत्तर भारत के राज्यों में दिखाना चाहती हैं ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, जबकि बीजेपी चुनाव हारने के बावजूद हर मुद्दे पर टीएमसी से टकराने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी संग्राम भले खत्म हो गया हो लेकिन दोनों के बीच टकराव अब भी जारी है। एक तरफ टीएमसी अपनी जीत के बाद अब दूसरे राज्यों में अपने कदम जमाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी जिसने कांग्रेस और लेफ्ट जैसे ऑपोजिशन को खत्म करके राज्य में प्रमुख ऑपोजिशन बने हैं वो टीएमसी को दिखा रहे हैं कि तुम डाल तो हम पात। इस बीच दोनों ही दल अपने अपने शहीदों को लेकर शहादत पर सियासत में जुट गए हैं।